तो हेलो एंड वेलकम बाय गाइज। आज का वीडियो गेमर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के स्टूडियो में आपको आपके फ़ोन की चार ऐसी सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको करने के बाद दोस्तों आपकी फ़ोन में गेमिंग एक्सपीरियंस जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप इन सेटिंग्स को करने के बाद आपको खुद फील होगा कि ये दोस्तों सेटिंग करने के बाद आपका गेम जो है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और लैग फ्री चल रहा है। तो इस वीडियो को दोस्तों आप एंड तक जरूर देखिएगा इन सभी ट्रिक्स को देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो आपको जो भी सेटिंग्स बताने वाला हूँ वो दोस्तों आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस को ही नहीं बल्कि दोस्तों आपके पूरे ओवरऑल फ़ोन की परफॉर्मेंस को आप बूस्ट करती हैं। अगर आपके पास दोस्तों लो एंड डिवाइसेस है या फिर दोस्तों हाई एंड डिवाइसेस है, आपको सभी फ़ोन में ये सेटिंग जरूर अप्लाई करनी चाहिए। और खासकर दोस्तों जिनके पास लो एंड डिवाइसेस है उनको तो ये डेफिनेटली अपने फ़ोन में इसको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप वो अपने फ़ोन में लो एंड डिवाइसेस में हाई ग्राफिक्स वाले जैसे पबजी और सीओडी जैसे गेम्स को खेलना चाहते हैं वो भी दोस्तों बिना लाइक के, तो उनको दोस्तों ये तो सेटिंग जरूर ही अप्लाई करनी चाहिए। तो कौन है दोस्तों सेटिंग, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों सेटिंग्स को करने के लिए आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में जाना होगा और नीचे यहाँ पर दोस्तों स्क्रॉल करते हुए आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है, देखिए बैटरी एंड परफॉर्मेंस का। यहाँ पर दोस्तों आपको दो सेटिंग करना है और दो सेटिंग दोस्तों कहीं और करना है, तो उसके भी हम आगे देखेंगे। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर बैटरी एंड परफॉर्मेंस में आएगा तो ऊपर यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए दोस्तों सेकेंड ऑप्शन है क्लियर कैश व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड, तो यहाँ पर आपको पहले से नेवर सेलेक्ट होगा, तो यहाँ पर आपको 5 to 10 मिनट के बीच में कोई भी सेलेक्ट करना है। 5 मिनट से सेलेक्ट कर सकते हो या फिर 10 मिनट। तो पहले जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो मेरे फ़ोन में अभी ये 5 मिनट सेलेक्ट है, तो आप 5 या 10 मिनट में कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। ये क्या होता है कि जब भी आपके फ़ोन में कैश जनरेट होते हैं तो उसको दोस्तों ये हर 5 मिनट में क्लियर करते रहेगा, जिसकी दोस्तों आपके फ़ोन का जो स्पीड है वो यहाँ पर इम्प्रूव होता है। और जो दूसरा यहाँ पर सेटिंग है वो है दोस्तों यहाँ पर नीचे सबसे आओगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको एक ऑप्शन ऐप बैटरी सेवर, तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो भी गेम्स को आप प्ले करना चाहते हो लाइक फ्री उस गेम को यहाँ पर सर्च करके आप सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप इसे मैनुअली भी खोल सकते हो। तो यहाँ पर मेरा बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सेट रहता है बैटरी सेवर। अगर आप देखिए यहाँ पर अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हो तो यहाँ पर आप नो रिस्ट्रिक्शन कर दीजिए, ताकि दोस्तों ये बैटरी सेव करने के लिए आपके थोड़ा सा जो गेम के ग्राफिक्स होते हैं उसके यहाँ पर फ्रेम रेट को ड्रॉप करता है। तो अगर नो रिस्ट्रिक्शन रखिएगा तो यहाँ पर आपको जो भी गेम चल रहा है उसका फ्रेम ड्रॉप नहीं होता है और लैग भी नहीं करता है। तो ये दोस्तों यहाँ पर दो सेटिंग आपको करनी है। इसके बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है वापस से और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चले जाना आपको अपने अबाउट फोन में, और अबाउट फोन में दोस्तों आपका जो अगर आपके पास MIUI या फिर रेडमी या पोको का फ़ोन है तो आपको MIUI वर्जन पर 7 से 8 पर क्लिक करना है, जिससे आपका जो डेवलपर ऑप्शन यहाँ पर इनेबल हो जाए। अगर आपके पास कोई और कंपनी का फ़ोन है तो उसमें आपको बिल्ड नंबर 1 दिया होगा उस पर आपको 7 से 8 बार क्लिक करना होता है, उसमें तो सबको जो डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम करते हैं 7 से 8 बार क्लिक, तो यहाँ पर दे रहे हैं नो नीड यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर, तो हमारे फोन में दोस्तों पहले से डेवलपर मोड यहाँ पर इनेबल्ड है। तो हम आते हैं बैक और यहाँ पर सबसे नीचे जाएंगे और यहाँ पर एक हमें ऑप्शन मिलेगा एडिशनल सेटिंग, उसके बाद दोस्तों देखिए आगे डेवलपर ऑप्शन। अगर दोस्तों आप डेवलपर ऑप्शन पहले से इनेबल नहीं करते हो तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर शो नहीं होता है। तो यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है, अगर नीचे आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। यहाँ पर देखिए ऐप्स के सेक्शन में आपको ये ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, तो यहाँ पर अगर दोस्तों आपके कुछ हाई एंड डिवाइसेस है या फिर कुछ नॉर्मल डिवाइसेस है जिसमें आप अच्छी खासा गेमिंग कर लेते हो तो यहाँ पर आप स्टैंडर्ड लिमिट जैसे कि मैंने अभी सेट करके रखा हुआ है ये आप रख सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास ज़्यादा यहाँ पर लो एंड डिवाइसेस आपके फ़ोन में ज़्यादा गेम लैग होते हैं तो क्या कर सकते हो कि आप नो बैकग्राउंड प्रोसेस कर सकते हो। लेकिन लेकिन दोस्तों अगर आप BGMI खेल रहे हो तो जैसे इसमें आपको VPN की कोई ज़रूरत नहीं है तो आप नो बैकग्राउंड प्रोसेस कर सकते हो। लेकिन अगर आप जैसे PUBG लाइट वगैरह खेल रहे हो जिसमें आपको VPN की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर एट मोस्ट 1 प्रोसेस कर सकते हो, ताकि दोस्तों जब भी आप गेम जो ओपन करो तो आपका जो पहले से VPN रन कर रहा है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर बंद ना हो। अगर आप नो बैकग्राउंड प्रोसेस करोगे तो आप VPN ऑन करने के बाद जब भी गेम को ऑन करोगे तो VPN अपने आप यहाँ पर बंद हो जाएगा, इसलिए दोस्तों आप यहाँ पर एटलीस्ट 1 प्रोसेस कर सकते हो। अगर आप अच्छे यहाँ पर फ़ोन की क्वालिटी है सही से चलता है गेम तो आप स्टैंडर्ड लिमिट मेरी तरह रख सकते हो, लेकिन आप ज़्यादा यहाँ पर लो एंड डिवाइसेस है और BGMI खेलते हो तो आप नो बैकग्राउंड प्रोसेस कर सकते हो, ताकि दोस्तों बैकग्राउंड में कोई भी प्रोसेस रन ना हो और आपको जो भी यहाँ पर डेटा है रैम है सारा आपके गेम को ही मिले। और इसमें जो दूसरा सेटिंग है वो दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे मिल जाता है। हाँ देखिए दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन है Force 4x MSAA, ये दोस्तों आपके फ़ोन में बाय डिफॉल्ट ऑफ होगा तो इसको आपको ऑन कर लेना है। ये भी दोस्तों आपके फ़ोन में गेमिंग एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बूस्ट करता है। तो गाइस डेवलपर ऑप्शन में आपको एक और सेटिंग मिलता है वो है दोस्तों गेम ड्राइवर प्रेफरेंस, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है
और यहाँ पर आप जो भी गेम को प्ले कर रहे हो जिसमें आप चाहते हो कि अच्छे से अच्छे यहाँ पर आपको जो क्वालिटी मिले, फ्रेम ड्रॉप ना हो, नो लैग हो, तो यहाँ पर आपको उस गेम को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमारा देखिए तो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, तो इस पर हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक क्लिक करने के बाद आपको चार ऑप्शन खुल के आते हैं ऐसे। यहाँ पर डिफॉल्ट गेम ड्राइवर, प्री रिलीज ड्राइवर और सिस्टम ग्राफिक्स ड्राइवर। तो यहाँ पर आपको डिफॉल्ट पर पहले से सेट होगा, तो यहाँ पर आपको गेम ड्राइवर सिलेक्ट कर लेना है। जैसा कि दोस्तों अभी आप देख सकते हो मैंने BGI में गेम ड्राइवर को सिलेक्ट किया है। और बेसिकली दोस्तों ये गेम ड्राइवर एक गेमिंग के लिए फीचर है, यानी कि आप जो भी गेम खेलो उसमें आप गेम ड्राइवर को जब इन्वॉल्व कर दोगे, उसको लगा दोगे काम पर, तो वो आपके गेमिंग को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बूस्ट करेगा आप एक्सपीरियंस को, जिसमें आपको काफ़ी अच्छे से अच्छे यहाँ पर आपको क्वालिटी मिलेगी गेमिंग की। तो यहाँ पर गेम ड्राइवर सेलेक्ट कर लीजिएगा। बस गाइज आपके फ़ोन में इतना ही सेटिंग करना होता है, जिसके बाद दोस्तों आप अपने खुद फील करोगे कि आपके फ़ोन की जो गेमिंग एक्सपीरियंस वो काफ़ी ज़्यादा पर इम्प्रूव हो चुका है इतना सेटिंग करने के बाद। आपके पास दोस्तों कोई भी कंपनी का फ़ोन हो, अगर आपके पास बैटरी एंड परफॉर्मेंस का कोई अदर कंपनी का फ़ोन है तो आपको ऐसा सेटिंग नहीं मिल पा रहा है, तो आप सिर्फ डेवलपर ऑप्शन वाले जो मैंने तीन आपको सेटिंग्स बताए हैं वो तीन सेटिंग आप कर लीजिएगा, फिर भी दोस्तों आपका गेम काफ़ी ज़्यादा पर स्मूथ और लाइफ फ्री चलेगा। तो बस दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। और अगर ये ठीक आपके फ़ोन में वर्क कर रहा है या नहीं, आपका दोस्तों ये सेटिंग करने के बाद आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।